दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम सुबह आज बहुत जल्दी उठ गए थे। बस नाम होता है कि शादी नहीं होती तो आराम रहता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी हो तभी आराम मिलता है, शादी नहीं होती तभी बहुत काम रहता है। कि तुम्हारे पास कौन सा काम है, चलो उठो काम पे लग जाओ। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत जल्दी उठ गए थे। तो आज हमको सोने को नहीं मिला। वैसे तो हम 7:30-8 के पहले नहीं उठते हैं, बट अब गर्मी आ रही है तो जल्दी उठना पड़ेगा। ठंडी में तो आप लोग जानते ही है कि कितनी देर तक सोने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम कितनी जल्दी में चल रहे हैं। धर्मकांटा पे ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं है, सारी लकड़ियाँ ली गई है। तो जैसा कि मॉर्निंग का टाइम है, अभी सारी दुकानें भी नहीं खुली है, हम काफ़ी सुबह जा रहे हैं। बजे हैं 7:10। जैसा कि मैंने बताया था, मेरा घर रेलवे स्टेशन उस पार है और एक रेलवे स्टेशन उचार में पड़ता है, एनटीपीसी के पास पड़ता है। देख सकते हैं इधर से रेलवे स्टेशन एनटीपीसी जाने का रास्ता है और इधर है रेलवे स्टेशन। और ये ट्रेन बहुत दिन से खड़ी है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। अब हमको पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा। देखिए, अभी हमको ऊपर चल के जाना है। हम पहाड़ चढ़ के आ गए हैं, मतलब ओवरब्रिज इसको हम बोलते हैं पहाड़। हम ज़्यादातर वैसे भी यहाँ ट्रेन टाइम से ही आती है। हम किसी दिन अलग से यहाँ का ब्लॉग बना देंगे ट्रेन का टाइम क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वो देखो वाली ट्रेन भी जा रही है। इस प्लेटफॉर्म पे भी एक ट्रेन खड़ी है और उधर भी एक ट्रेन खड़ी है। तो हम पूरा चढ़ के आए हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी, हम आपसे बात ही करते रह जाएंगे। दोस्तों, जैसा मॉर्निंग का टाइम रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो अभी हमने सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब A to Z सारा काम कर दिया है। बट यहाँ से जाएंगे तो खाना बनाना है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए ये किस चीज़ की खेती है, क्या लगाए हैं। ये बड़ा हो जाएगा तभी मुझे समझ में आएगा। जो लोग खेती करते हैं उन लोगों को समझ में आ गया होगा। ठंडी तो ख़त्म हो गई है, आप लोग कॉमेंट करके बताना कि आपको ठंडी लग रही है कि नहीं। हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ने लगी है। सुबह सुबह बिल्कुल हल्की सी लगती है, बस जैसे ठंडी स्टार्ट होती ना, बस उसी तरह रहने वाली है होली। और होली के लिए हम यहाँ से जाएंगे तो पापड़ बनाएंगे। दोस्तों, सुबह पापा गए थे दुकान, तो उन्होंने एक चूल्हे पे आलू रख दिया था और हमने सारा काम कर दिया है। मम्मी आलू पक भी गया था, मम्मी इसको छीलेंगी और उसकी छोटी छोटी गोली बना लेंगी। आज हम बनाएंगे आलू का पापड़ और आपको दिखाएंगे। कल पापा एक बोरी आलू लेके आए हैं। तो जैसा कि मैंने टॉकीज का वीडियो बना दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, ये रहा मेरा उचहार वाला घर और ये पड़ता है डिग्री कॉलेज के जस्ट पीछे। गांव का नाम है बद्दम मियाँ का पुरवा। अब चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं इन लोगों का रिएक्शन क्या होता है। अरे भागो नहीं, वीडियो बनाएंगे नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पलक की चोटी बना रहे हैं और पलक को पता नहीं है कि इसकी वीडियो बन रही है। अभी देखेगी तो भागने लगेगी, बोले नहीं मेरी वीडियो मत बनाओ। पता नहीं क्या हो गया इसको, इस समय इसकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो ऐसे तो सारी वीडियोस में देखिए कितना पटपट पटपट बोलती है। अरे वो अपनी बना रही है, आप नहीं बना रही, आप थोड़ी। तो फ्रेंड्स, बाल इनके थोड़ा बड़े हो गए थे, आंख में आते थे, तो हम सोचे लाओ चोटी कर देते हैं। ये बाल अच्छे से बांधना वरना मैं निकाल दूंगी। ओके, कल बांधी थी वो अच्छी थी। कल आपके ऑयल नहीं लगे थे, आज ऑयल लगे। तो अच्छा। क्या करूँ, ऑयल लगाने से तो और अच्छा बनेगा। तो भाई तो बोलिए और अच्छे लग, और अच्छे बनेंगे। मुझे नहीं लगता, नहीं लगे। देखो भले क्या पीछे बैठे, उसको नहीं खाना। तो फ्रेंड्स, दोनों हो गई हैं रेडी बिल्कुल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये दोनों कैसी लग रही हैं। और इशिता तो उतना नहीं, पलक बहुत बोल रही, हम अच्छे नहीं लग रहे, इसको खोलो। हमने कहा आज बांध लो बस। दोस्तों, अभी हम इन दोनों को घर से लेके आ गए हैं और ई रिक्शा का वेट कर रहे हैं, यहीं पे मिलेगा, अभी आया नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं। सोच रहे इधर से एक कूड़े वाली गाड़ी 2-3 दिखी है, इन लोगों को उसी पे बैठा देते हैं। चली जाओगी ना कूड़े वाली गाड़ी से? मैं क्या करूँगी जाके, मुझे स्कूल थोड़ी ना जाना है। अरे तो मुझे उतारने में तो कूड़ा निकालने के लिए कूड़े वाले अंकल निकालेंगे, मैं थोड़ी ना निकालूंगी। अरे तो वो तो चलाएंगे। अच्छा, वो चलाएंगे अंकल? बीजी कॉन्वेंट स्कूल चलेंगे उधर सलवन की तरफ वाली रोड पे, NTPC वाली रोड पे चलेंगे ये दो लोग। तो दोस्तों, कूड़े वाली गाड़ी नहीं मिली है। बच गई कूड़े के डिब्बे में जाने से। हम लोग चले जाते तो कूड़ा भी तो जाती ना। मैं क्यों जाती, मैं
देखो पालक आ गए ना, परेशान हो रही। टाइम से पहले ही आ गए हम लोग। तो अभी हम आ गए हैं घर। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे पापड़ बनाने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।